لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي ينزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظ ومقاعد ومناصر وذليلا وعينا حتى تسكنهم ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في قران المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صدق الله العلي العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم respected brothers and sisters السلام عليكم ورحمه الله thank you very much for joining ये हमारी लेक्चर सीरीज़ का उसूले दीन लेक्चर सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है पहले लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था कि हम जो है अब अल्लाह क्लियरली कहता है कि हमने जो है नबियों को भेजा हमने जो है रसूलों को भेजा ताकि वो लोगों के बीच अदल को कायम करे जस्टिस को कायम करे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जस्टिस यानी क्या अदल यानी क्या सिंपल सा डेफिनेशन है अदल का जस्टिस का जो चीज जहां होनी चाहिए उसे उसकी जगह पर रखना फॉर एग्जाम्पल टोपी है कैप है उसको आप पैर में रखो अदल हुआ उसके साथ जूता है जो पैर में रहना चाहिए आप सर पे रखो अदल हुआ उसके साथ घड़ी है उसको हाथ की जगह पैर में पहनो अदल हुआ घड़ी के साथ जो चीज जहां पहनी जाए राइट या जो चीज जहां रखी जा, जानी चाहिए जो उसकी जगह है उसे उसकी जगह पर रखने को जो है अदल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल खुदा खुदा का से अदल करना यह है कि हम खुदा को खुदा माने उसके ऊपर किसी को ना माने उसकी वहदानियत में माने उसको एक माने यह खुदा के साथ हमारा अदल होगा एक एग्जाम्पल दिया मैंने, राइट किसी ने गुनाह किया किसी ने बैड चोरी की फॉर एग्जाम्पल राइट लॉ का क्या काम है कि जिसने चोरी की है उसको उसकी सजा देना किसी पे बेगुनाह पे चोरी का इल्जाम लगा लॉ का काम क्या है जस्टिस का काम क्या है कि अगर कोई बेगुना है उसको जेल में नहीं डालना उसकी जगह जेल नहीं उसकी अप्रोप्रिएट जगह बाहर है उसकी रिहाई है और जो गुनहगार है उसकी अप्रोप्रिएट जगह जेल है या जो भी पनिशमेंट है उसकी राइट right? सो so, अदल यानी जो जो जगह पे हो उसे उस जगह पर रखना अब एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इक्वालिटी और जस्टिस ये दो चीजें हैं इस्लाम जस्टिस को प्रमोट करता है कंपेयर टू इक्वालिटी हाँ जब तक जस्टिस हो इक्वालिटी में ठीक है लेकिन अगर इक्वालिटी में इनजस्टिस हो रहा है तो इस्लाम जस्टिस को जो है ये देता है प्रेफरेंस देता है फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है इक्वालिटी और इनजस्टिस को समझते हैं एक पांच किलो का फाइव के का चावल का ये है बैग है राइस बैग है फाइव के का वेट पकड़ लो चलो वेट है फाइव के का अब एक पांच साल का लड़का है एक पंद्रह साल का लड़का है एक पच्चीस साल का आदमी है एक जो है फिफ्टी मैन है और एक सिक्सटी फाइव ईयर ओल्ड है अब ये अलग अलग एज के लोग है राइट हर एज को वो फाइव के जीज उठाने देना इक्वालिटी है कि भाई सबको सेम सबको इक्वल इसी में भेदभाव नहीं लेकिन जो पांच साल का है क्या वो पांच किलो उठा पाएगा नहीं जो पंद्रह साल का है उसे थोड़ा डिफिकल्टी होगी कंपेरेटिवली जो ट्वेंटी फाइव ईयर्स है वो आसानी से उठा लेगा जो फिफ्टी इयर्स है वो उसे उठाएगा लेकिन शायद थोड़ी तकलीफ हो डिपेंडिंग ऑन द हेल्थ और सिक्सटी फाइव ईयर्स के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा राइट मेजोरिटीली सिक्सटी फाइव ईयर्स है अब ये इक्वालिटी है कि सबको सेम वेट देना और जस्टिस क्या है कि जो पांच साल का है उसकी जितनी ताकत है उसको उतना देना जो जो जगह पे हो उसे उस जगह पे रखना फाइव ईयर वाला फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर वेट ही उठा सकते हो उसको उतना ही देना फिफ्टीन ईयर वाले को उतना वेट देना ट्वेंटी फाइव ईयर वाले को उसके हिसाब से वेट उठाने देना दूसरा एग्जाम्पल खाने की बात वेन वी आर सिटिंग फॉर फूड हम खाने के लिए बैठे जो एक छोटा बच्चा जितना खाता है उतना ही अगर बड़े को दिया जाए तो यह इक्वालिटी होगी लेकिन जितना छोटा खाता है उतना छोटे को दिया जाए और जो जितना बड़ा खाता है उतना बड़े को दिया जाए तो इसे जस्टिस कहते हैं कि जिसको जितनी जरूरत है या जिसको जो जगह पे होना चाहिए उसको उस जगह पे रखना क्लियर है पॉइंट तो इस्लाम इक्वालिटी को तब तक सपोर्ट करता है जब तक उसमें जस्टिस हो जहां पर इनजस्टिस होता है इस्लाम जो है मना करता है। एग्जाम्पल एक और फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल अल्कोहल जो है इंसान की हेल्थ के लिए बैड है इंसान की बॉडी के लिए इनजस्टिस है आसपास के लोगों के लिए इनजस्टिस क्योंकि अल्कोहल के इंफ्लुएंस में इंसान जो है कुछ भी करता है इसीलिए इस इनजस्टिस को रोकने के लिए इस्लाम ने अल्कोहल को मना किया है। क्लियर है पॉइंट समझ में आया इक्वालिटी और जस्टिस के बीच का डिफरेंस और इस्लाम क्लियरली कहता है कुरान मजीद की सूरह हदीत की आयत में हमने देखा कि رسولوں को भेजा गया ताकि वो लोगों के बीच जो है जस्टिस कायम करें ओके okay? तो इस्लाम के जितने भी लॉज बनते हैं जितने भी अल्लाह के भेजे हुए कानून या अल्लाह के भेजे हुए जितने भी लॉज है वो सब के सब जो है जस्टिस पर बेस्ड है अगर अल्लाह ने किसी स्पेसिफिक इंसान को कोई स्पेसिफिक रोल दिया है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक जगह है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक कोड है तो वो जो है उसके लिए बेहतर है और अगर किसी और के लिए नहीं है तो वो उसके लिए बेहतर है जिसको जैसा होना चाहिए अल्लाह ने इस्लाम के लॉस को उस हिसाब से बनाया है ये हमें समझने की जरूरत है अब अदल में एक और बात आती है कि अल्लाह जो है हमें हम जो एक्शंस करते हैं अल्लाह जो है हमको उसका हिसाब लेगा हमसे राइट अदल बेस बनता है कि जिससे हम इनशा कल नबूवत करेंगे कि क्योंकि अल्लाह अदल करता है अल्लाह जस्टिस करता है अल्लाह आदिल है इसीलिए अल्लाह जो है उसने नबियों को भेजा और क्योंकि अल्लाह जस्टिस है, जस्ट है अल्लाह आदिल है अल्लाह ने कयामत का दिन रखा है कि जिस दिन हिसाब लिया जाएगा इसीलिए उसने रसूलों को भी भेजा ताकि कोई कयामत के दिन कंप्लेन न कि मेरे को तो कोई बताने वाला नहीं था मेरे को कोई बोलने वाला नहीं था कि मैं जो है अल्लाह में ईमान रखता इसीलिए अदल का जो है बहुत जरूरी हमारे मानने के लिए अब अल्लाह हमें पता है कि इंशाल्लाह कयामत में हम इसके बारे में दीप में जाएंगे लेकिन अदल समझने के लिए क्योंकि अल्लाह ने कहा कि कयामत का दिन होगा कि जिस दिन तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा राइट तो अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम जो एक्शन करते हैं क्या हम अपनी मर्जी से करते हैं अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है या सिर्फ और सिर्फ अल्लाह कराता है अब इस कॉन्सेप्ट पर इस्लाम में शुरुआती दिनों में मजहब जाफरी को छोड़ के रसोलब के दर को छोड़कर लोगों ने दो अलग अलग थाट प्रोसेस बनाए एक था मुतजिला और एक था अशायरा जो मोतजिला थे उनका थाट प्रोसेस ये था कि अल्लाह ने दुनिया बना दी और अब अल्लाह का कोई इसमें रोल नहीं है जो यहूदियों का कॉन्सेप्ट है यदुल्ला मकदुल्ला के हम जो है अल्लाह ने बना दी दुनिया और अल्लाह जो है हाथ बांध के बैठा और अल्लाह कुछ नहीं कर सकता अहलब ने इस थ्योरी को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया है कि ये गलत है कि अल्लाह ने दुनिया बना दी और अब अल्लाह का कोई अल्लाह का कोई पावर नहीं है रॉन्ग है सेकेंड जो अशायरा थे वो मानते थे कि इंसान के, के एक्शंस पे इंसान का कोई रोल नहीं है इंसान का कोई हाथ नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो कराता है वो अल्लाह कराता है और ये थ्योरी जो लोग जुल्म करते थे उन्होंने बहुत यूज की जैसे यजीद इब्ने मुआविया लानतुल्लाह अनुत उसने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया उसने कहा कि ये कॉन्सेप्ट यूज किया कि जो कराता है अल्लाह कराता है मैं क्या करूँ तो मेरे नसीब में लिखा हुआ था कि मैं इमाम हुसैन को खत करूँ नौजुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह या कोई और किसी और पर जुल्म करे बोले मैं क्या करूं अल्लाह ने बोला है जैसे हमने जनाब बहलोल की स्टोरी में देखा था कि जो जब अब हनीफा ये कहे कि जो कराता है अल्लाह कराता है तो जनाब बहल ने एक ढेला उठा के मारा एक पत्थर उठा के मारा हाँ मैंने कहा गया जो कराया अल्लाह ने करा है तो अहले इमाम सादिक सादिकल्लाम फरमाते हैं कि न ये थ्योरी सही है अल्लाह कुछ नहीं कर सकता इंसान ही जिम्मेदार है न ये थ्योरी सही है कि अल्लाह ही सब कुछ करता है और इंसान जिम्मेदार नहीं है इमाम सादिक कहते हैं कि यह अमर बैन के बीच का है कि अल्लाह इंसान को ताकत देता है और इंसान के ऊपर है कि वो डिसाइड करे कि वो अच्छा करेगा या बुरा और अल्लाह जानता है अल्लाह अपने इल्म से क्योंकि अल्लाह ने हमको हल किया है अल्लाह जानता है कि हम अपनी मर्जी से क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे ये काफी डीप कॉन्सेप्ट है इनशाला किसी दिन इस पर जो है डिटेल लेक्चर की कोशिश करेंगे बट आज जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि अदल का कॉन्सेप्ट इमाम सादिक सलाम फरमाते हैं बिहार उलनवार की हदीस है कि अदल में जो है अदल और तोहहीद जो है इस्लाम का फाउंडेशन है इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है मैं इन मैं रेफरेंस आपको देता हूं कि बिहारुल अनवार की कौन सी हदीस में जो है इमाम सादिक सलात वसलाम ने फरमाया है इमाम सलाम बिहारुल अनवार में हदीस है इमाम सादिक सलाम से इन्ना असदीन तोहैद वलअल यकीन तोहैद और अदल जो है दीन के फाउंडेशन है दीन का बेस है हदीस का रेफरेंस है बिहारुल अनवार वॉल्यूम फाइव पेज सेवेंटीन पर तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हम अल्लाह की तोहीद में मान रहे अल्लाह को एक मान रहे साथ साथ हम ये भी माने कि अल्लाह आदिल है अल्लाह जस्ट है अल्लाह जो है किसी पर जुल्म नहीं करता तो अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में यह आता है कि अगर अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता तो ये जो नेचुरल कलेमिटीज होती है ये जो कभी लैंडस्लाइड हो जाती है लोग मर जाते हैं अर्थक्वेक आता है तो ये सब क्या है सुबहन कई जगहों पर फरमाता है और की हदीस भी है कि लोगों को जो है टेस्ट किया जाएगा कुरान की आयत में भी है कि हम जो है तुम्हें अलग अलग तरीकों से टेस्ट करेंगे कभी तुम्हारे माल से कभी तुम्हारी औलाद से राइट कभी तुम्हारी जान से तो अलग अलग तरीकों से जो है इंसान को टेस्ट किया जाएगा तो ये सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ये जुल्म नहीं बल्कि हमारे लिए टेस्ट होती है कि हम जो है कितना जो है अपनी ईमान में मजबूत रहते कई लोग होते हैं जो थोड़ी सी नेचुरल कलामिटी आने पर जो है अल्लाह में मानना छोड़ देते हैं कोई खुदा है मैं नहीं मानता कोई जो है अल्लाह है लेकिन अल्लाह इसी तरह हमको टेस्ट करता है तो जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं नेचुरल कलामिटीज होती है एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो सब जो है एक टेस्ट होती है इंसान के लिए किस तरह हम जो है रिएक्ट करते हैं अब क्वेश्चन आते कि उन लोगों का क्या जिनको इनोसेंटली किल किया गया था जिनको इनोसेंटली मारा गया था मासूमियत में मारा गया था फॉर एग्जांपल किसी टेररिस्ट ने किसी एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट किया या किसी को मार दिया या किसी ने आके किसी का कत्ल कर दिया मर्डर कर दिया अब वो इंसान तो मर गया अब क्या होगा उसका उसका उसको जस्टिस कैसे मिलेगा दुनिया में शायद कोर्ट केसेस चले सालों साल कोर्ट केसेस चलते कई लोग को पनिशमेंट मिलती है कई लोग बेगुना प्रूव नहीं होता है कि उन्होंने कत्ल किया जबकि उन्होंने किया था तो क्या कोई सिस्टम है कि जो इंश्योर करे कि चाहे तुम जो इस दुनिया में करो एक दिन यकीन ऐसा आएगा कि तुमको जो है इस सब का हिसाब देना पड़ेगा नहीं तो कोई लॉ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जब एक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में है हर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है तो साथ साथ एक पुलिस फोर्स भी बनाई गई साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स भी बनाई गई जो इन लॉस को इम्प्लीमेंट करेगी राइट भाई ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है सॉरी मैं फिर से ट्रैफिक सिग्नल के पे आ गया ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है अब सिग्नल रेड येलो ग्रीन बता दिया कि इस पर तुमको करना है लेकिन अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ही नहीं खड़ा है तो बहुत से लोग जो है ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे राइट तो कोई ट्रैफिक रूल चेक करने वाला चाहिए राइट और चेक करने के बाद उसको अगर तुमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो तुमको फाइन देना पड़ेगा राइट तुमको जो है अप्रोप्रिएट जो पनिशमेंट है वो देनी पड़ेगी फाइन देना पड़ेगा जो भी है राइट जब तक एक ऐसा सिस्टम ना हो तब तक कोई लॉ का मतलब ही नहीं रहेगा राइट इसीलिए अल्लाह अज़्ज़वजल ने एक लॉ जब बनाया तो उसके साथ साथ नबियों को भेजा ये लॉ एक्सप्लेन करने के लिए और एक कयामत का दिन रखा है कि जिस दिन इंसान के सारे आमाल जो है एक नाम पूरे पूरी लाइफ की तुम्हारी शीट बनेगी कि तुमने क्या अच्छा किया तुमने क्या बुरा किया और उस हिसाब से अल्लाह जो है इंसान को रिवॉर्ड या पनिश करेगा इसीलिए अदल का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत जरूरी है तोहिक के कॉन्सेप्ट के साथ ताकि हमें खुदा की वहदानियत के एहसास के साथ साथ खुदा ने जो लॉज बनाए उसका भी एहसास हो और इंसान जो है गुनाहों से रुके नहीं तो लोग कितने ऐसे हिस्ट्री में कितने मर्डर्स हुए हैं कितने लोगों को कत्ल किया गया इनोसेंटली और जो जिन्होंने कत्ल किया वो पकड़े भी नहीं गए वो कुछ नहीं हुआ उनके साथ लेकिन कयामत का दिन है कि जिस दिन अल्लाह इन सारे जुल्म का बदला लेगा सारे जालमीन के लिए एक लेसन है कि वो सोचे कि उनके पहले कितने डिक्टेटर्स थे कितने जुल्म करने वाले थे वो चले गए और अपना जुल्म करने के बाद आज वो कहीं नहीं है और कयामत के दिन जब उठेंगे तो उनके जुल्म का उनसे बदला लिया जाएगा और उसी तरह जो तारीख का सबसे बड़ा जुल्म था जो करबला में माह मुहर्रम में 61 हिजरी में किया गया करबला सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है यजीद लन और इमाम हुसैन के कातिन सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल है कि हम अदल को समझें कि किस तरह अल्लाह जो है क़यामत के दिन इन ालिमों से मज़लूम का बदला लेगा आज तीसरी मुहरम हराम है इमाम हुसैन सलाम करबला में मौजूद है फौजों पे फौजें आ रही हैं, लोग पे लोग आ रहे हैं लेकिन इमाम हुसैन के चाहने वाले बहुत कम थे और इमाम हुसैन अदल का एक और कॉन्सेप्ट यह है कि अदल में जो है किसी के बीच में डिफरेंस नहीं किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कलर ब्लैक है किसी का कलर कुछ और है स्किन कलर इस्लाम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता इस्लाम कहता है कि जस्टिस ये है कि वो इंसान है तुम भी उसे इंसान की तरह ट्रीट करो कोई और कोई और एथनिसिटी का है कोई और जगह का है कोई और कम्युनिटी का है हमें उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है इमाम सलाम कहते हैं बलागा में कि लोग दो तरीके के होते हैं या तो वो तुम्हारे दीनी भाई है या जो है तुम्हारे इंसानियत में तुम्हारे बराबर है पीपल इमाम अलीम से पीपल आर ऑफ टू टाइप्स दे आर आइदर योर ब्रदर्स इन फेथ और योर इक्वल्स इन ह्यूमैनिटी और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल करबला में देखा गया कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जनाब जॉन आए जनाब जॉन एक अफ्रीकन थे जिनका स्किन कलर ब्लैक था लेकिन इस्लाम की ब्यूटी यही है कि चाहे वो जनाब बिलाल हो रसूल चाहे जनाब जॉन हो इमाम के टाइम इस्लाम ने हमें यह सिखाया है कि इंसान की रेस इंसान का स्किन कलर इंसान की हाइट इंसान का ये सब कुछ मैटर नहीं करता है कुरान की आयत भी है कि

इन्ना यकीनन अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन वो है के जो तकुए में सबसे हाई हो और इसका एग्जाम्पल इमाम हुसैन ने करबला में दिया कि जनाब जॉन जो एक ब्लैक अफ्रीकन थे पहले गुलाम हुआ करते थे जनाब जॉन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आर्मी के एक हिस्से इमाम हुसैन की आर्मी अगर आप देखो 72 या 110 लोग थे खाली सामने लाखों की फौज लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आर्मी में सारे तरीके के लोग थे हर तरीके के लोग थे इमाम हुसैन का ये मैसेज है जो आज हमें दुनिया तक पहुंचाना है कि करबला सबको साथ लेकर चलती है करबला इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल सिर्फ एक मजहब के लिए नहीं यकीनन हम अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हैं हम उनके शिया हैं हमारा हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हुआ ही इस वजह से ताकि हम अहलब के में गिरिया कर सके और उनकी खुशी में खुश रह सके और हमें ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना है कि करबला ने जो है एक इंसानियत की मिसाल पेश की जनाब जॉन पहले जो है जनाब अबूजर के गुलाम हुआ करते थे जनाब जॉन जब करबला में आए तो उनकी एक लेवल एज हो गई थी इमाम हुसैन अल्लाम ने जनाब जॉन से कहा आपकी एज हो गई है आप आराम कीजिए आप चले जाइए चिरागा शब आशूर इमाम हुसैन ने बंद कर दिया लाइट्स बंद कर दी चिरागे बुझा दिए कि जिसको जाना है जाओ वो लाइट्स है ना शर्माए लेकिन कोई एक सहावी नहीं गया इमाम ने कहा मैं तुम्हें जन्नत गारंटीड करता हूं ये तुम्हारे जन्नत में मकाम है दिखा दिया सबको <coughs> लेकिन कोई भी इमाम हुसैन आसम को छोड़कर नहीं गया और जनाब जॉन एक एग्जाम्पल थे जनाब जॉन ने इमाम हुसैन आसलाम से इजाजत मांगी और कहा जब मैं आपके अच्छे दिनों में आपके साथ था तो शहादत में भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं जनाब जॉन ने कहा क्या आप नहीं चाहते कि मेरा खून आपके खून से मिले इमाम हुसैन आसम की आंखों में आंसू आ गए जनाब जॉन को इजाजत दी जनाब जॉन मैदान में गए और एक ऐसा रजस पढ़ा एक ऐसा खुतबा पढ़ा एक ऐसी स्पीच दी कि मुझे लोग गुलाम समझते लेकिन मैं बैत अलैहिस्सलाम के दर का आज़ाद करता हूं और उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बैत अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफ की और खूब लड़े और कहा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को डिफेंड करूंगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक तुमको पहुंचने नहीं दूंगा आखिरकार जनाब जॉन को जो है उनको जरबत लगी जनाब जॉन घोड़े से गिरे इमाम हुसैन आलाम दौड़ते हुए जनाब जॉन आलाम के पास पहुंचे जनाब जॉन के सर को अपने जानू पे रखा जनाब जॉन के खून को अपने खून से मिलाया जनाब जॉन के चेहरे पर एक अलग खुशी थी कहा मौला मैं आपके साथ मिल गया मैं कहूँगा ए इमाम हुसैन आसलम आपने जनाब जॉन के सर को अपने जानू पर रखा उनके आखरी वक्त में कुछ देर बाद असरे आशूर होगी तब क्या होगा कि जब शिमर इबन जिल जोशन आपके सीने पर होगा और आपकी जो है गर्दन को काट रहा होगा यकीन बीबी फातिमत तो अलैहा फरमाएगी कि फिक्र नहीं मैं जिंदा मैं हूँ मैं जो है इमाम हुसैन आसलम अपने फर्जन के सर को अपने जानों में रखूँगी वयामीबीबू वाहन तस्लिम परवरदि ख़ुदा इमाम ज़मान के ुरूर में ताजील फ़रमा हम सब को इमाम के नासन में शुमार फ़रमा हमारे ईमान को मज़बूत करने की हमें तोफ़ी कता फरमा मेरे परवरदिगार हमारे ईमान को सलामत रख इस दुनिया से इस कोरोना वायरस को इस बीमारी को दूर फरमा ताकि हम उसी शान शौकत से इमाम हुसैन आसमाम की आज़ादारी कर सकें जिसे पहले करते थे जिन जो रिस्क के लिए मोहताज अहमर परवरदिकार इमाम हुसैन आलिम के साथ कि उनके रस्क में इजाफ़ा फरमा जो बीमार है उनके बीमारियों को दूर फरमा जिनकी जो जो हाजा है उनकी सबकी हलाल हाजतों को उनके हक़ हाँ में बेहतर अदा फरमा वलियासर हजत ख़ुदा माम ज़मान के जहर में ताजील फरमा हमको उनके नासरिन में शुमार फरमा इनशाला कल पाँच बजे हम जो है इनशाला नबूत का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इनशाला हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्रॉफिट हुड यानी नबूत जो है ज़रूरी है थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग وآخر الدعوانا عن الحمد لله رب العالمين محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم